वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं मॉमी सेल्फ केयर के बारे में। तो जितना हम अपना समय अपने बच्चे को देते हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ अपने बच्चे को देते हैं, उतना ही समय हमें खुद को भी देने की ज़रूरत है, अपने आप को भी रिचार्ज करने की ज़रूरत है। अगर हम रिचार्ज रहेंगे, हम अगर हैप्पीली बिहेव करेंगे, तभी हम अपने बच्चे को पॉजिटिवली समय दे सकते हैं, उसको खुश रख सकते हैं, उसे अच्छी चीज़ें सिखा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि शुरू के जो हमारे 6 महीने होते हैं आफ्टर पोस्ट डिलीवरी, तो उसमें तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को खो देते हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम खो जाते हैं कि हमें अपने बच्चे के हिसाब से सोना है, उठना है, खाना है, पीना है, क्योंकि हम फीड करा रहे होते हैं, तो हमें ठंडा गर्म इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमें अपने बच्चे के अकॉर्डिंगली करना रहता है। बट जैसे जैसे धीरे धीरे आपका बच्चा ग्रो करता है, जब 100% आपके ऊपर वो डिपेंड नहीं रह जाता है, तो आपको कोशिश करना है कि धीरे धीरे आप खुद के लिए समय निकालें। तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ। अब मैं ये कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ समय मैं धीरे धीरे अपने लिए निकालूँ, अपने आप को मैं फ़ोन फ्री कर देती हूँ, मैंने अपने फ़ोन के नोटिफिकेशंस ऑफ कर देती हूँ, ताकि मेरा माइंड सिर्फ मेरे, मतलब मेरी तरफ रहे, मैं अदर चीज़ों में अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट ना करूँ, अपने आप को रिफ़्रेश करूँ, अपने आप को रिचार्ज करूँ। क्योंकि गाइस, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया है, और भी नेगेटिव थॉट्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। लेकिन आपको अपने आप को परेशान होने के लिए डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, आपको अपने आप को अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व करना है, अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए इन्वॉल्व करना है, ताकि आप हैप्पीली अपने बच्चे से बात कर सकें, उसको समय दे सकें, उसको सिखा सकें। तो अगर आप परेशान रहेंगे, अगर आप चिड़चिड़ाहट में रहेंगे, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप अपने बच्चे को अच्छे तरीके से संभाल सकें। तो पहली आपने ऐसा करना है। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से तो मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं किया था, बट हाँ, मैंने भी अपने वेट को रिड्यूस करने के लिए मैंने भी छोटी छोटी चीज़ें मैंने अपने आप को किया। मैंने वॉक किया, मैंने जो हमारा टमी आफ्टर पोस्ट प्रेगनेंसी जो हमारा टमी बाहर आ जाता है, उसके लिए मैंने टमी बेल्ट यूज़ किया, मैंने जीरा पानी, अजवाइन पानी, ये सब चीज़ें मैंने बिल्कुल कंटिन्यू रखा। तो मैंने अपने लिए जो कोशिश मैं कर सकती थी वो मैंने किया। तो एज अ लेडी आपने भी यही करना है कि बच्चे को ध्यान देना बिल्कुल ज़रूरी है। आपकी लाइफ में बच्चा आया है, वो बिल्कुल आपकी प्रायोरिटी है, बट आप अपने आप को इन चीज़ों में कहीं भी आपको अपने आप को नहीं खोने देना है, ठीक है गाइस। और इन सब के अलावा एक चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव रखें, अपने आप को, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव कर दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है, बट हाँ, कोशिश करिए आप अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व रहें, आप नेगेटिव चीज़ों में अपने दिमाग को कहीं भी इन्वॉल्व मत करिए, पॉजिटिव चीज़ें सोचिए, पॉजिटिव चीज़ों में इन्वॉल्व रहिए, और अपने बच्चे को पॉजिटिव चीज़ें सिखाइए। आप पॉजिटिव रहेंगी, आपका फेस पॉजिटिव रहेगा, तो बच्चा आपसे सीखेगा और वो भी पॉजिटिव रहेगा। अगर आप चिड़चिड़े रहेंगी, आप इरिटेटेड रहेंगी, तो बच्चा आपके चेहरे को पढ़ता है और उसी से वो हर चीज़ सीखता है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और अपने बच्चे का ध्यान रखें, बट इन सभी का ध्यान रखने के लिए आपको खुद की ज़रूरत पहले खुद से है। तो आगे अभी के लिए बस इतना ही, आगे मैं आपके लिए न्यू कंटेंट के साथ न्यू वीडियोज़ लाती रहूँगी। उसके लिए आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।